अब मैं आ चुका हूँ अपनी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में और पूरा बैच इस समय प्लेसमेंट्स के लिए फुल पढ़ाई में लगा पड़ा है। मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ रहा हूँ, आप सभी जानते हैं क्यों, बट जब भी किसी दोस्त की प्लेसमेंट लग जाती है ना तो उसे सेलिब्रेट करा जाता है कुछ इस तरह। ओह सॉरी रॉन्ग क्लिप, इस तरह। अरे भाई नीचे भाई कॉन्ग्रेट यार। अब सुबह शाम हॉस्टल में टाइम पास करते हुए मेरे पास एक कॉल आता है और फिर बराबर है, लेकिन उनके जो सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे वो 1.5 मिलियन से भी ज्यादा है। सो लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली शोभित निर्वाण। मैंने भी लास्ट ईयर में ड्रॉप कर लिया था तेरी तो। भाई साहब कितने दिनों बाद मैं कैमरा देख रहा हूँ। आज हम थोड़ा सा प्रोफेशनल शूट कर रहे हैं, है ना, कैमरा लेके, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज हम जा रहे हैं संदीप सर के सेशन में, आज हमें वहाँ पे इनवाइट करा गया है। आपने देखा होगा मीट योर फेवरेट यूट्यूबर वाली सीरीज चल रही है, तो आज वही वाली सीरीज का एक सेशन हमारे साथ है। बहुत बड़ा दिन है, पर उससे पहले मैं कुछ कुछ चीज़ें आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। हमने नया ऑफिस सेटअप करा है तो वो थोड़ा सा मेरे को आपको दिखाना है। इसमें अगर आप देख सकते हो कि यार अभी क्या ना, हमने नया यहाँ पे ये जो घर है यहाँ पे अभी शिफ्ट करा है, तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं, है ना, कुछ कुछ चीज़ें लगनी बाकी हैं। जैसे ये हमने कल ही लगाए हैं, है ना, और ये यहाँ पे हमने टेबल चेयर, मेरे अनमोल रतन, एक है ये हमारा गोल्डन प्ले बटन मेन चैनल का जो कि 1 मिलियन पे मिला था, ये है सिल्वर प्ले बटन जो कि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे मिला था। एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे ना सिमेट्री नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक जगह बचाई है जो कि ये वाला चैनल है शोभी व्लॉग्स वाला, इस पर आप जल्दी से 1 लाख कर दो, है ना, 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर बचे हैं, आप सब्सक्राइब कर दोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी भर जाएगा, रेगुलर व्लॉग्स आ रहे होंगे और प्यार बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आएंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इतने तुम सब्सक्राइब कर रहे हो इतने और चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली हमने क्या करा था, एक ऑल इंडिया मीटअप करा था जिसमें कि हम अलग अलग शहर में गए थे बच्चों से मिलने, तो बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मेरे को दी। जैसे एक बच्चे ने ये दी थी, ये ऑल इंडिया मीटअप का पूरा फ्रेम बना दिया जिसमें कि अलग अलग स्टेट्स जहाँ जहाँ हमने कवर कराया विद डेट उसने भर दी, और भैया उसने बोला कि भैया जब आपके और सिटीज़ भी कवर हो जाएं तो यहाँ पे भर देना उसको आप निकाल के फ्रेम में से। कलाकार लोगों यार ये देखो कितनी प्यारी चीज़ है, ये एक बच्चे ने दी थी। एक ये है, हमें एक अवार्ड मिला था जम्मू में, ठीक है, वो अवार्ड अभी मेरे पास नहीं रखा। ये जो है सारे गिफ्ट्स हैं, ये 40% गिफ्ट हैं, जो बाकी के बचे हुए गिफ्ट हैं वो अभी दूसरे घर में रखे हैं, तो जब मैं वो लाऊंगा तो यहाँ पे लगा दूंगा। ये भी एक हमें अवार्ड मिला था। ये कुछ और प्यारी प्यारी चीज़ें बच्चों ने दी थी। कोई बात नहीं यार, बच्चे कह रहे थे भैया फ्रेम कराना भूल गए, मैं फ्रेम करवा दूँ। बिल्कुल ये भाई साहब, ये तो और ही अलग लेवल पे बच्चे ने पूरा फ्रेम करवा के दिया। ये भी हम यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे लगवा देंगे, पूरा भर दूंगा इसको, है ना। ऐसी कुछ कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें, ये 40% चीज़ें हैं, बाकी जो हैं वो हम जैसे ही फ्रेम हो जाएंगी इस पूरी दीवार पे आपको मिलेगी। ये जो चीज़ है ये आपको करवानी है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, है ना, और 1 लाख करते ही इस पर ये वाला फ्रेम भर देंगे। चलते हैं अब सेना सेशन के लिए। हमें जो हमारा टाइम था वो है 11:30 बजे और हमें कहा था कि बिल्कुल भी लेट मत हो जाना प्लीज़, तो हम यहाँ से 9:30 बजे एग्जैक्ट निकल रहे हैं। यहाँ से अराउंड है 15-18 किलोमीटर, जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे, आगे मिलते हैं, चलो आओ। तो अभी पहले हम ऑफिस में जा रहे हैं सर के, फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे स्टूडियो में। पापा हमें पहले मना कर रहे थे, मतलब मना क्या, वो कह रहे थे हम शाये हैं थोड़े तो आएंगे नहीं स्टेज पे या कहीं, तो मैंने कहा स्टेज पे नहीं आना तुम बैठे तो रहना, तो हमने उनको साथ में ले आया, पहले नहीं आ रहे थे। हाँ अभी आ चुके हैं हम ऑफिस में सर के, और यहाँ पे हमें कुछ खाने पीने को दिया हुआ है,
आधे घंटे बाद हमारा सेशन का टाइम है और यहाँ से हम सेशन वाला जहाँ पे स्टूडियो है वहाँ पे जाएंगे, वहीं पे सर हमसे डायरेक्ट मिलेंगे, फिर उसके बाद हमारी सर से अलग से मीटिंग होगी जिसमें बातचीत कर सकते हैं। बस सर तो बैठे हैं, थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा तो हम जाएंगे निकलेंगे। तो हो गया है सेशन कंप्लीट, अराउंड एक से डेढ़ घंटे के बीच का सेशन रहा था, पर अंदर हम व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं थे, तो मैं यहीं पे कुछ कुछ क्लिप्स जो हमने ली सर के साथ, जो फोटो ली मम्मी पापा ने और हम सब ने, वो यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा। और जो सेशन है वो शायद ये जब तक व्लॉग आया जब तक आ गया होगा, है ना, हाँ आ ही गया होगा, तभी हम उसकी छोटी छोटी क्लिप्स जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। भाई क्या अलग लेवल की फीलिंग थी, मतलब अलग, आप ऐसे मिलोगे ना अंदर ही, जब मैं अंदर घुसा स्टेज पे गया अलग ही लेवल की एनर्जी फील हो रही थी स्टेज पे, काफ़ी सामने बच्चे बैठे हुए थे, पहले मेरे को लगा कि थोड़ी बड़ी ऑडियंस रखेंगे, पर उन्होंने कहा कि हमने आपके चैनल के हिसाब से ही जो भी बच्चे आपको देखते हैं उसी एज ग्रुप के बच्चे बिठा रखे थे। तो जब मैं पीछे खड़ा हुआ था तो सर पूछ रहे थे कि आप ही की एज ग्रुप का एक है बच्चा और उसके यूट्यूब पे चैनल है, इतने सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे को आवाज़ आई एक दो बच्चों ने बोल दिया, पहले मेरे को लग रहा था कोई नहीं पहचानेगा तो क्या सवाल क्या जवाब होंगे, पर बच्चे पहचान गए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप घर जा रहे हैं और फिर इसके बाद कॉलेज निकलना है। सर मैंने अपनी 11th 12th कोटा से करी है, जेई की तैयारी जो करी थी, और उस समय करी थी जब स्मार्टफोन्स इतने बच्चों के हाथ में नहीं थे कॉमन, तो हमारे पूरे हॉस्टल में ना सिर्फ दो तीन ही बच्चे होते थे जिनके पास स्मार्टफोन होता था, तो अगर हमें कोई सर की वीडियो देखनी है, कोई और मोटिवेशनल या कोई पढ़ाई की वीडियो देखनी है तो उनसे मांगना होता है, पर अगर हम उनसे ये बोल के मांगे कि हमें मोटिवेशनल वीडियो देखनी है पढ़ाई की देखनी है तो वो नहीं देंगे, क्योंकि भाई सामने वाले की तरक्की किसको अच्छी लगती है, तो हमें उनसे ये बोल के लेना पड़ता था कि यार मेरे को गेम खेलना है या मेरे को मूवी देखनी है तो दे दे, तो मैं उनसे बोलता था कि यार मेरे को गेम खेलना है फ़ोन दे दे, तो मेरे को फ़ोन दे देते थे। अब ऐसा रहता था कि मैं एक टैब में तो आपकी वीडियो चल रही है और एक टैब में गेम चला रखा है मैंने, कि अगर वो आ गया तो मैं टैब स्विच कर लूँ, तो अब सिनेरियो देखो कैसे चलता था, एक तरफ चल रहा है आसान है, वो आ गया हाँ भाई आसान है मार मार मार